वेलकम टू इंट्रोडक्टर्स केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनसाइड दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म टू ऑल्सो एंड फॉर द नीट एंड जेई मेंस ऑल्सो। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वी वॉन्ट टू नो क्यों ये थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, वाई दिस थ्योरी हैज बीन अराइज्ड। बिकॉज जस्ट बिफोर दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज बीन गिवन एंड इट हैज एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स वेरी मच एफिशियंटली एंड सम क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड। कुछ सवालों के जवाब बिना दिए ही वो थ्योरी समाप्त हो गई। तो वो कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें कि मैं नाम लेना चाहूंगा कि जो जो क्वेश्चन रह गए। पहली बात की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे जो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन रही थी वो क्यों बन रहा था, ये आंसर उन्होंने नहीं दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास जो कलर कंपाउंड्स होते हैं, कलरिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड रह गए। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनाई गई। और इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, फिर किसने इसको दिया वो सब देखेंगे हम लोग आज यहाँ पे। सो वेरी फर्स्ट, दिस फील्ड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। और इसमें कंसिडर किया गया कि मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयोनिक है। कैसा है ये, प्योरली आयोनिक बॉन्ड को माना गया है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होता है। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये हम सभी लोग जानते हैं, मेटल इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन, लिगेंड इज गोइंग टू बी अटैक। तो यहाँ पे मेटल आयन इंटरेक्शन हुआ और मेटल लिगेंड, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो कि ये एज्यूम किया गया कि एक जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक है। नाउ लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस एंड एज अ डाइपोल्स इन केस ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज द CO कार्बोनिल ग्रुप, NH3 अमोनिया एंड सच एज इथिलीन डायमीन, और भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे पास एज अ न्यूट्रल आयन माने जाते हैं, उनको एज अ डायपोल काउंट किया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे जो 5d ऑर्बिटल्स है, जो कि 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आइसोलेट गैसेस एटम में कैसे होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। दैट मींस उसको हम बोल सकते हैं ऑल द ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स आर डिजनरेट इन नेचर। डिजनरेसी का मतलब यही होता है कि वहां पे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ऑल द ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल्स विल हैव द सेम एनर्जी। और सबसे पहले यह थ्योरी जो दी गई थी, सबसे पहले यह थ्योरी दिया गया था बेथे एंड ब्लेक ने, इन्होंने ही इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोलता है ये थ्योरी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन अ लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल आयन टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन अंडरगोइंग द स्प्लिटिंग, जो भी मेटल आयन में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्प्लिटिंग में जाते हैं, एंटर करते हैं स्प्लिटिंग में और बनाते हैं दो सेट। कौन कौन से सेट होते हैं, एक होता है अपना हायर एनर्जी लेवल सेट जिसको हम ईजी बोलते हैं, और जिसको जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। वहीं पे लोअर जो एनर्जी सेट होता है जिसको हम टी टू जी के नाम से जानते हैं, उसमें हमारे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये हमारे हुए ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। कैसे होता वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा ये स्प्लिटिंग होती क्यों, क्यों यह हुआ। जैसे कि हम जानते हैं डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डबल शेप होता है, और यहाँ पे जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस, जो कि हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होता है, और जो हमारे एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो होता है डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सिस के पास प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी लिगेंड अप्रोच करता है वो डी एक्स वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के पास हेड ऑन अप्रोचिंग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है और ईजी हमारा हायर एनर्जी लेवल में जाता है और टी टू जी हमारा कहाँ जाते हैं, लोअर सेट ऑफ एनर्जी में जाते हैं। राइट, नाउ इफ द लिगेंड अप्रोचिंग स्ट्रांगली बेसिक, अगर जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रांगली बेसिक है जो अप्रोच करने वाले हैं, तो वहां पे स्प्लिटिंग कैसी होगी, मैक्सिमम स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल इज ब्रॉट अबाउट दैट इज द मैक्सिमम स्प्लिटिंग, देन द एनर्जी डिफरेंस will be between the T2G and EG will be very high, वहां पे बहुत ज्यादा होगा। वही अगर हम बात करते हैं कैसे स्प्लिटिंग होती, तो यहाँ पे आप जस्ट फॉर द एक समरी देने के लिए, ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल है जहाँ पे dx square minus y square, dz square, dxy, d
एक्स जेड एंड वाई जेड होते हैं। जैसे ही यहाँ पे मेटल लिगेंड ने लिगेंड अप्रोच करता है टुवर्ड्स द मेटल, आवर डी ऑर्बिटल्स इज गोइंग टू बी स्प्लिट अप इनटू द ईजी हायर एनर्जी सेट, टी टू जी इन द लोअर एनर्जी सेट्स। ठीक है, अब आइए, ये हमारी एनर्जी है जिसको हम जनरली नाम दे देते हैं, क्या क्या दे देते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हो गया, अप्रोच किया हमारे लिगेंड ने इस डी ऑर्बिटल की तरफ और यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी एग्जांपल जो दिया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल बन गए अपने पास जो कि हायर एनर्जी से, जिसको हम ईजी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे टी टू जी। बीच में जो हमारा एनर्जी गैप है, डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा ओ बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है यहाँ पे, और इसको हम एक तरह से स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जस्ट फॉर एन स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से भी इसको काउंट कर सकते हैं। अब जो हमारा जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है एनर्जी सेट्स में, ये हमने यहाँ पे एक बैरियर सेंटर बनाया, और यहाँ पे जो हमारा ये जो गैप है जिसको हम कितने टाइम से बोलते हैं, 3/5 डेल्टा ओ, और नीचे जो है लोअर एनर्जी है इसको हम किस नाम से बोलते हैं, 2/5 डेल्टा ओ। जो एनर्जी होती है उसका 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा ईजी सेट के मैक्सिमम रिपल्सन वहां पे जाता है, रिपल्सन जो कम होता है 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है स्प्लिटिंग एनर्जी में वो हमारे लोअर एनर्जी सेट्स में आते हैं। तो ये जो एनर्जी गैप है ये जितना ज्यादा बेसिक लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप प्रेजेंट होगा यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अंडर दीज कंडीशंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन गेट्स पेयर्ड अप इन द टी टू जी सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। कब? जब हमारे डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और वहां पे एक टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग कराने के काम में आते हैं। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस और लेस पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। जो गैप इतना ज्यादा होगा यहाँ पे, जितना ज्यादा गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को, मान लीजिए D5 की बात करते हैं हम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा फिल करने के लिए हमें यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो गैप है, ये जो गैप है ये इतना ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पहुंच पाता, देन क्या होगा, जो पेयरिंग होगी वो यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब ये क्या हो गया, D5 पेयरिंग हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वो बाकी बात है एटम टू एटम, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वैरी करेगा। तो हम बात करते हैं जितना ज्यादा गैप होगा वहां पे पेयरिंग किसमें होगा, टी टू जी सेट में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द लिगेंड अप्रोचिंग इज वीकली बेसिक, वीकली बेसिक होगा तो बीच में जो गैप है वो कम होगा एज कंपेयर टू अर्लियर वन, इट विल बी स्मॉलर। द अंडर दिस इन्फ्लुएंस डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस अंडरगो लेस स्प्लिटिंग, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टी टू जी एंड ई जी विल बी लेस, कम होगा यहाँ पे। ड्यू टू दिस नाउ, अब एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से टी टू जी के बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो ईजी तक पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन गेट्स अरेंज्ड इन टी टू जी एंड ई जी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे जो हम वैल्यू देते हैं, डेल्टा ओ इज लेसर देन पीई, दैट इज द पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा ई, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पीई इन द पेयरिंग एनर्जी, इसमें हायर एनर्जी गैप है। यहाँ पे एनर्जी गैप कम है। अब अगर मैं यहाँ पे D5 के बारे में बात करता हूँ, इन दिस केस नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक, और इस मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। After this, number of electron will be more, then it will start pairing up and number of unpaired electron will be reduced. And in that case, the paramagnetism will is also going to be reduced or diamagnetism ki jo property hoti hai, wo increase karega. Clear hai yahan pe? Ab yahan pe delta O jo hai, wo kam hai. Kisse kam hai? Pairing energies mein. ठीक है, तो आसानी से यहाँ पे 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इंटर कर सकेगा। तो ये फर्क होता है जब हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड डिपेंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि अपने पास दो टर्म आ गए लिगेंड के टाइप में, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकेंड टर्म आता है वीक फील्ड लिगेंड, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये दोनों ही टर्म आपको मिल जाएंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि हम अभी दे देंगे आपको क्या होता है वहां पे।
वहां पे एक सीरीज बनती है लिगेंड्स की, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द विच वन विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर टू स्प्लिट अप मैक्सिमम विद एनर्जी, राइट नाउ। अब ये स्प्लिट अप तो जो अभी तक था हमारा ये किसमें था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम मूव करते हैं टेट्राहेड्रल की तरफ। अगर टेट्राहेड्रल में जाते हैं तो सारी स्प्लिटिंग सेम होती है बट उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। अब ऊपर हमारा हायर एनर्जी में होगा वो टी टू जी होगा, और नीचे जो हमारा लोअर एनर्जी सेट होगा वो ई जी होगा, या कभी कभी किसी किसी बुक में टी टू एंड ई केवल देगा, और यहाँ पे टी टू जी और ई जी दोनों लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जस्ट एनर्जी गैप भी बदल जाएगा, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है उसको हम डेल्टा टी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। 2/5 विल बी हायर एनर्जी एंड 3/5 विल बी लोअर एनर्जी सेट, जिसको हम E और EG के नाम से, T2 और T2G दोनों नाम से बोल सकते हैं, इट विल बी ओके, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी सेट में बात करते हैं, T2G सेट के पास एनर्जी EG सेट से ज्यादा होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखिएगा इसको, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टी टू डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ। If it is given either one of these, you can count another one. तो यहाँ पे relationship जो अपना है, delta T is equal to 4/9 delta O. We can say that approximately 50% होता है octahedral complexes में जो splitting energy है, tetrahedral में उसका approximately आधा होता है, clear है, approximate आधा, right? So this is the pattern of the tetrahedral complexes splitting. Now this is the order of स्प्लिटिंग पावर, और यू कैन सी दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू उसकी पावर कितनी ज्यादा है, कौन कितना अधिक उसको स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं या कार्बोनिल ग्रुप बोल दीजिए, मच बेटर। CO इज मैक्सिमम, देन साइनाइड आयन, देन NO2 माइनस, देन EN, NH3, EDTA4 माइनस, NCS माइनस, H2O। यहां तक इसके पहले जो आते हैं, ये जो हमारे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के नाम से जाने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। उसके बाद H2O, C2O4, ऑक्सिलेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आते हैं हमारे किसमें, वीक फील्ड लीगेंड में, वीक फील्ड लीगेंड्स में। तो ये हमारे हुई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हमारे पास ये डिफाइन करेगा कि किसके पास कितनी ज्यादा पावर है, कौन कितना ज्यादा स्प्लिटिंग करवा सकता है। तो ये हमारी, इसको याद रखिएगा, आसानी से याद भी हो सकता है, बहुत टफ नहीं है। अब मैंने बात किया था कि वैलेंस बॉन्ड की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको दूर किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, सॉरी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल बनाएंगे, कौन से हमारे ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, ये डिफाइन नहीं कर सका था, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने उसको डिफाइन किया। अब क्रिस्टल फील्ड ने कैसे डिफाइन किया, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, NiCN होल 4। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग NiCN होल 4 2 माइनस, ये हो गया, और एक है हमारा NiCl4 2 माइनस। यहां पे कौन सा हमारा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा और कौन सा हमारा टेट्राहेड्रल बनाएगा। पहली बात, निकिल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो निकिल 2 प्लस है, यहाँ पर भी निकिल 2 प्लस माना जाता है, दोनों का 2 प्लस है, कोई बात नहीं। अब निकिल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम बात कर लेते हैं ऑर्गन के बाद, 4s2 3d 8, ये हो गया अपने पास। अब निकिल 2 प्लस के बाद जाते हैं अगर हम, और मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूं इसका ऑर्बिटल डायग्राम, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया 4s, में दो हो गए, 1 2 3 4 5, इसको काउंट भी कर सकते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है। अब निकिल 2 प्लस में जाएगा तो 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर, 4s हो गया 0, तो यहाँ पे हम इसको रफ कर सकते हैं, 4s हो गया 0, और ये किसके लिए हो गया, निकिल 2 प्लस के केस में। अब अपने पास दो लिगेंड है, एक है साइनाइड माइनस आयन और एक होता है क्लोराइड आयन। साइनाइड आयन अभी तक हम लोगों ने देखा ये कितना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और ये जैसे ही इंटर करता है उस लिगेंड पर अप्रोच करेगा, इट विल कॉज पेयरिंग बिटवीन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पेयरिंग करवाएगा, इट दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर एंड इट विल पेयर्ड अप, कैसे करेगा,
जैसे ही इसने यहाँ पे अप्रोच किया और क्या बन गया, अब देखिए यहाँ पे ये हुआ अपना ये, और यहाँ पे डी खाली हो गया एस, और यहाँ पे पी तो खाली अपना हाई है 4p का। अब 4 साइनाइड आयन है, एक साइनाइड आयन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डी एस पी टू। डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो भी हमारा ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। वहीं अगर क्लोराइड आयन की बात करते हैं, क्लोराइड आयन इज अ वीक फील्ड एगन, और ये वीक फील्ड होने के साथ साथ क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इनसाइड द ऑर्बिटल्स नहीं करवाएगा, और फिर ये क्या करवाएगा, ये सिर्फ आउटर ऑर्बिटल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन दे देगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन, और यहाँ पे और यहाँ पे, और जो हमारी पेयरिंग होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट रह जाएंगे। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनेगा, sp3, जो कि बनाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बहुत ही आसानी से और बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनाएगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनर ऑर्बिटल जहां इन्वॉल्व होते हैं वहां पे स्क्वायर प्लेनर, जहां सिर्फ आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी कलरिंग, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कलर कैसे जनरेट होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा मिल सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।